आप सबका स्वागत है हमारे और आपके इस चैनल पर स्टडी टुगेदर पर। तो मैं रुपेश सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम आए हैं सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का क्लास 7 चैप्टर 9 अंडरस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट लेकर। तो एडवर्टीजमेंट क्या होता है, आप सब इस चीज़ को भली भांति समझते हैं। एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को मार्केट में बढ़ावा देना थ्रू किसी इन्फ्लुएंसर के थ्रू। इन्फ्लुएंसर मतलब कि जिनका रिच पीपल के बीच में बहुत हो, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें तो फिल्म स्टार और क्रिकेटरों का ज़्यादा यूज़ किया जाता है एडवर्टीजमेंट करने के लिए। इससे क्या होता है, कंपनी का ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होता है। ब्रांड वैल्यू क्या होता है वो हम अभी आगे के वीडियोज़ में सब समझेंगे, ठीक है। ब्रांड क्या होता है, ब्रांड वैल्यू क्या होता है, ब्रांडिंग क्या होता है, ये सारा कुछ अभी हम इस सारे आगे के टॉपिक्स में हम समझेंगे, ठीक है। तो आइए चालू करते हैं हमारा चैप्टर। एडवर्टीजमेंट ड्रॉ आवर अटेंशन टुवर्ड्स प्रोडक्ट टू गिव पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन बायर। तो देखिए, एडवर्टीजमेंट इसीलिए किया जाता है कि जिसके उसके कारण क्या हो, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है, मतलब एक दिमाग पे जोड़ पड़े कि आप खरीदिए चीज़ को, नहीं खरीदेंगे तो आपका जीवन में कुछ नहीं है ऐसा। मतलब ऐसा वो लोग ला करके आपके सामने दिखाते हैं, ठीक है। इसके अलावा और इससे अच्छा कोई नहीं है दुनिया में, कुछ नहीं है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट में वो ऐसा सामने लाना चाहते हैं, वही चीज़ बता रहा है कि ये पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं बायर के ऊपर। बायर कौन है, हम और आप जो खरीदते हैं उनका सामान, ठीक है। एडवर्टीजमेंट इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोशल एंड कल्चरल लाइफ टूडे। तो सबको पता है एडवर्टीजमेंट हर जगह है, मोबाइल भी आप खोलेंगे तब भी, कुछ दिन बाद हमारे चैनल पर भी, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। आप मोबाइल खोलेंगे उस पर भी, आप रोड पे चलेंगे उसमें भी, टीवी खोलेंगे उसमें भी, कहीं भी आप जाएं आपको एडवर्टीजमेंट ज़रूर मिलेगा। तो एडवर्टीजमेंट आज के डेट में हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है हमारे सोसाइटी के लिए और हमारा डे टू डे लाइफ के लिए, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट का ये दो चीज़ था, ये एक्स्ट्रा मैं आपके लिए जोड़ दिया था, लेकिन अब मेन टॉपिक हमारा यहाँ से चालू होता है, बिल्डिंग ब्रांड्स एंड ब्रांड्स वैल्यू। तो ब्रांड क्या होता है आपको भी पता है, एक कंपनी होता है। ब्रांड बनाने में एक कंपनी को, मतलब एक कंपनी को ब्रांड बनने में बहुत वक्त लग जाता है। उसके लिए उनको बहुत वक्त मार्केट में स्ट्रगल करना पड़ता है। उनका प्रोडक्ट जब तक मार्केट में, अगर आदमी उन पर भरोसा ना करे उनके प्रोडक्ट पे, तब तक वो कंपनी ब्रांड नहीं बनता है। अगर आपको मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो एक आटा आता है आशीर्वाद आटा, और एक लोकल आटा हमारे तरफ मिलता है गोपाल आटा, शायद आप वो जानते भी नहीं होंगे गोपाल आटा। दोनों में कुछ फ़र्क नहीं है, वो क्या होता है बस खाली उस चीज़ पे ब्रांड लग चुका है आशीर्वाद आटा करके, इसी के लिए आप उसको जानते हैं। और दूसरा गोपाल आटा, वो भी वही गेहूं से उपजा हुआ आटा है और ये भी गेहूं से उपजा हुआ आटा है, दोनों गेहूं से बने हुए आटे हैं, लेकिन आप जानते होंगे तो सिर्फ आशीर्वाद आटा, क्योंकि टीवी में ऐड आता है उसका, गोपाल आटा का आप ऐड नहीं देखे होंगे, ठीक है। तो वो वही चीज़ है ब्रांड, वही अगर आप भरोसा दिखाएंगे किसी कंपनी के ऊपर तो वो कंपनी किस में बदल जाता है, ब्रांड। ब्रांड कुछ नहीं बस एक कंपनी का नाम होता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कैसे ब्रांड बनता है और ब्रांड वैल्यू क्या होता है। तो ब्रांड क्या होता है, उसका मतलब कि एक कंपनी, जैसे मैं आपको बताया ब्रांड मतलब क्या, एक कंपनी, ठीक है। ब्रांडिंग मीन्स एक पर्टिकुलर नेम या फिर वो कंपनी का कोई भी साइन। हमारे भी इस चैनल पे आपको दिखेगा इस साइड में एक लोगो, ठीक है, वो उसी तरह का हमारा ये साइन है। स्टडी टुगेदर का क्या, लोगो बोल लें आप या साइन बोल लें या सिंबल बोल लें, जो आप बोलें, उसी तरह उनका भी कोई भी ब्रांड होता है, उनका भी नेम के साथ उनका एक साइन होता है, एक सिंबल होता है, उसका भी वो लोग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे नाइकी का बताऊँ तो एक ठो टिक रहता है, ठीक है। एडिडास का बताऊँ तो तीन ठो ऐसे लाइन बने रहते हैं, वो ऐसे सिंपल लाइन तीन ठो नहीं बने रहते, मतलब डिज़ाइन में बने रहता है, आप सब देखे ही हैं उसको, ठीक है। ब्रांडिंग हेल्प्स टू डिफरेंशिएट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट्स ऑफ मार्केट। तो ब्रांडिंग क्या हेल्प करता है, अगर हम ब्रांड बना रहे हैं अपना, हम ब्रांड अपना बिल्ड कर रहे हैं, तो ब्रांड क्या मदद करता है हमने को कि मार्केट में मान के चलिए चार प्रोडक्ट है, ठीक है। चार प्रोडक्ट के बीच में आपका कौन सा प्रोडक्ट है, आपके कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट है, अगर आप वो कंपनी के ऑनर हैं तो आप कैसे पहचानेंगे, तो आप कैसे पहचानेंगे, आपका ब्रांडिंग के थ्रू, ठीक है। आपका जो ब्रांडिंग होगा, जो आपका कंपनी का जो नाम होगा, जो कंपनी का साइन होगा, उसी के थ्रू आप उसको पहचानेंगे, वही चीज़ है आपका ब्रांडिंग। ब्रांडिंग वही चीज़ में आपको हेल्प करता है, ठीक है। फॉर सेलिंग कंपनीज हैव टू क्लेम सर्टेन स्पेशल वैल्यूज फॉर देयर ब्रांड। तो देखिए, अगर कंपनी को सेल करना है मार्केट में अपना प्रोडक्ट, तो सिर्फ उसको ब्रांडिंग कर देगा वो तो नहीं हो जाएगा,
ठीक है, कभी कोई कंपनी को सेल करना हो तो खाली ब्रांडिंग कर देगा, अपना नाम लिख देगा, तो कंपनी का उसका सामान सेल नहीं हो जाएगा। उसके साथ उसको एक स्पेशल वैल्यू लेके चलना पड़ता है। स्पेशल वैल्यू मतलब वो क्वालिटी देगा उसको, जो प्रोडक्ट लेगा, जो भी उससे प्रोडक्ट खरीदेगा उसको क्वालिटी देगा, ड्यूरेबिलिटी देगा, मतलब कि वो लंबे वक्त तक चलेगा, और बहुत सारा फैक्टर है। वो स्पेशल वैल्यू होना चाहिए वो कंपनी के पास, तो ही उसका जो कि ब्रांडिंग किया हुआ सामान है वो बिक्री होगा। ठीक है, अगर हम मैं एग्जांपल दूं आपको कि आशीर्वाद आटा के बारे में, जैसे मैं आपको बोला तो वो अच्छा आप समझेंगे। आशीर्वाद आटा वो बोलता है कि बहुत अच्छा प्योर और फाइन आटा है, कंपनी क्लेम करता है वो चीज़, तो वो उसका स्पेशल वैल्यू है और उसको खाने वाले भी वो चीज़ समझते हैं, इसी के लिए वो डे टू डे में उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो सामने रखा कि उसके पास ज़्यादा कम कार्बोहाइड्रेट है, उसको कोई भी पेशेंट खा सकता है, मतलब कोई शुगर पेशेंट वाले हैं जो उनको कम शुगर लेना है तो वो भी कोई ले खा सकता है, तो उनका स्पेशल वैल्यू है कि वो किसी भी पेशेंट को भी खिला सकते हैं और नॉर्मल आदमी तो खा ही सकता है अगर पेशेंट खा सकता है तो। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो बिल्डिंग ब्रांड और ब्रांड वैल्यू में डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको। ब्रांड वैल्यू क्या होता है? एक कंपनी का मार्केट में जिस हिसाब से वैल्यू होता है उसको बोलते हैं हम ब्रांड वैल्यू, और उसी जगह बिल्डिंग ब्रांड, ब्रांड मतलब क्या हो जाता है? सिर्फ नाम, वही जो कंपनी बनाते हैं उसको बोलते हैं हम बिल्डिंग ब्रांड। ठीक है, ब्रांड वैल्यूज एंड सोशल वैल्यूज, ब्रांड वैल्यूज को फिर यहाँ पे कंटिन्यू किया है, ब्रांड वैल्यूज होता क्या है फिर वही सब, और सोशल वैल्यूज उसका फिर सोशल मतलब सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो चीज इस टॉपिक पे हम देखेंगे। एडवर्टीजमेंट इज अ पार्ट ऑफ सोशल एंड कल्चरल लाइफ टूडे। तो जो एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, जो एडवर्टीजमेंट है आज के डेट में सोशल और कल्चरल लाइफ का पार्ट है, जो यहाँ पे भी मैं आपको बताया। ठीक है, थ्रू एडवर्टीजमेंट कंपनीज गेव देयर बेस्ट टू कनेक्ट विद द इमोशन ऑफ पीपल। तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू कंपनीज क्या करते हैं, अपना मतलब पीपल के इमोशन के साथ टच होने का कोशिश करते हैं। अगर वो पीपल के इमोशन के साथ टच हो गए तो वो उसको, वो जो आदमी जिसका इमोशन पे वो टच हो गए, वो आदमी ज़रूर उनका प्रोडक्ट को बाय करेगा। ठीक है, ये कंपनीज का मानना है, जितने कंपनीज हैं मार्केट में एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं वो उनका ये सब मानना है। ठीक है, ये मार्केटिंग पॉलिसी बोला जाता है इन सबको। ठीक है, कंपनीज यूज क्रिकेटर्स एंड फिल्म स्टार्स फॉर एडवर्टीजमेंट टू एनकरेज पीपल टू बाय देयर प्रोडक्ट। ये भी एक तरह का मार्केटिंग पॉलिसी है। वीडियो के पहले ही मैं बताया आपको, एडवर्टीजमेंट के लिए बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ किया जाता है। इन्फ्लुएंसर्स मतलब जो मार्केट में, सॉरी माफ करिएगा, जो सोसाइटी में जिनके पास पब्लिक का रीच हो, वो पब्लिक का अच्छा इम्पैक्ट पब्लिक पे उनका बोलने का पड़े, तो उन्हीं क्रिकेटर्स को यूज़ किया जाता है। जैसे तेंदुलकर, धोनी, आप इनको लगातार किसी ना किसी चीज़ के ऐड पे देखे होंगे, और फिल्म स्टार अक्षय कुमार, सलमान खान, ये सबको भी आप बहुत सारे ऐड पे देखे होंगे। तो ये भी एक तरह का पॉलिसी है कि उनसे जुड़े उनके सपोर्टर्स, उनके फॉलोअर्स जो हैं वो भी वो प्रोडक्ट को बाय करेंगे, क्योंकि सलमान खान और अक्षय कुमार या फिर धोनी या फिर तेंदुलकर, ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्रांड वैल्यू समझ में आ गया आपको, बिल्डिंग ब्रांड भी समझ में आ गया। तो हमारा देखते हैं हम अब नेक्स्ट टॉपिक, तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी। तो एडवर्टीजमेंट हमने समझ लिया, और बाकी आगे का उस ब्रांड वैल्यू, ब्रांड कैसे बिल्ड होता है वो सारा कुछ हमने समझ लिया। अब आया बात, एडवर्टीजिंग तो होता ही है, लेकिन डेमोक्रेसी अगर विद इन कंट्री हो रहा है तो डेमोक्रेसी में भी तो कुछ उसका इफेक्ट पड़ेगा, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। एडवर्टाइजमेंट सरकार भी यूज़ करता है, अब बहुत सारे जगह पे देखे होंगे तो सरकार का कोई ना कोई योजना या फिर कोई ना कोई, अगर ऐसे समझे तो प्रोग्राम या स्कीम बैनर में लगे रहता है, तो वो चीज़ आप भी देखे होंगे, एडवर्टाइजिंग तो सरकार भी यूज़ कर रहा है, तो डेमोक्रेसी पे भी तो कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट होगा, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो आइए अभी हम वो प्रस्पेक्टिव इसका देखते हैं डेमोक्रेसी के तरफ का। ठीक है, एडवर्टीजमेंट लिंक इशूज ऑफ इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। देखिए, एडवर्टीजिंग करना है, मतलब एडवर्टाइजमेंट करना जो हम कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि मार्केट में सबको इक्वलिटी ही दे। जैसे कि अगर मैं बोलूं तो जरूरी नहीं है कि आप और मैं एक बड़ा ब्रांड का कपड़ा को खरीद सकें, और ये भी जरूरी नहीं है कि हमारे जैसा खरीद भी ना पाए, मतलब कि जो हमसे ज़्यादा इनकम है जिनका, वो तो खरीद सकते हैं ना। मेरा बोलने का मतलब ये है, हम नहीं खरीद पा रहे लेकिन कोई और तो खरीद सकता है, तो वही मैं बता रहा हूँ, यहाँ इनइक्वलिटी और इक्वलिटी का इशू बने रहता है। ठीक है, इक्वलिटी के साथ यहाँ पर इशू बने रहता है, मतलब कि इनइक्वलिटी का कंडीशन क्रिएट हो जाता है मार्केट में। जैसे कि आपको पहले के चैप्टर मार्केट में भी मैंने बताया था, और इस चैप्टर के पहले वाले चैप्टर में भी मैंने आपको
बताया था, इनइक्वालिटी क्रिएट हो ही जाता है वहाँ मार्केट में, ठीक है। जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा ब्रांड, ज़्यादा बड़ा ब्रांड का सामान खरीदेंगे, लेकिन जिनके पास नहीं है वो नॉर्मल ब्रांड या फिर ओपन पैकेट जो खुला जो सामान मिलता है उस पर ही डिपेंड रहेंगे। एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी यूजुअली इन करोड्स। तो देखिए, एडवर्टाइजिंग करना मतलब छोटा मोटा खर्चा नहीं होता, बहुत बड़ा खर्चा होता है। मतलब अगर बहुत बड़ा बोलूँ तो करोड्स में खर्चा होता है उसमें, ठीक है। क्यों होता है खर्चा? क्योंकि देयर आर सो मेनी एडवर्टीजमेंट्स इन द मार्केट एंड सॉरी मार्केट टूडे टू स्टिक विथ पीपल्स माइंड दे सो देयर एडवर्टीजमेंट अगेन एंड अगेन। क्यों होता है खर्चा? बार बार अपना एडवर्टीजमेंट को वो दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि पीपल के जितना आदमी के दिमाग में रहेगा ये बात दिमाग में जितना रहेगा वो उतना ही वो सामान के तरफ, उनका प्रोडक्ट के तरफ वो अट्रैक्ट होंगे। एग्जाम्पल बताऊँ तो आप हरदम देखते होंगे कोई ना कोई ऐड दो या तीन बार हर, मतलब अगर पिक्चर आप मूवी देख रहे हैं अगर आप, तो मूवी के दौरान दो मिनट या तीन मिनट का ब्रेक होता हुआ तो एक ऐड तीन या चार बार प्ले हो जाता है। तो वही जो तीन या चार बार जो ऐड प्ले हुआ आपके टीवी स्क्रीन पर, उसी के कारण उनका करोड़ ऑफ करोड़ खाली एक चैनल पे प्ले नहीं हो रहा है, वो बहुत सारे चैनल्स पे प्ले हो रहा है। उसके कारण क्या होता है, वो चैनल वाले कंपनीज को, जो जैसे स्टार का बताऊं तो स्टार में कोई अगर ऐड प्ले हो रहा है तो उस कंपनी स्टार क्या करता है, किसी एडवर्टाइजिंग जो जिसको एडवर्टाइज दिखाना है वो एडवर्टाइजिंग कंपनी क्या करता है, स्टार को पैसा देता है और स्टार क्या करता है उसके बदले उसको प्ले करता है अपने चैनल पर। तो उससे स्टार का कमाई होता है और कमाता, मतलब एडवर्टाइजिंग वाले किसको खर्चा करते हैं, किस पे खर्चा करते हैं, चैनल्स पे खर्चा करते हैं। किस पे खर्चा करते हैं? करोड़ में, ठीक है, करोड़ में चैनल पर खर्चा करते हैं बार और बार बार अगेन एंड अगेन उसको शो करने के लिए, ठीक है। एडवर्टीजमेंट ऑल्सो मेक अस बिलीव डेट थिंग्स आर पैकेज्ड। तो देखिए, एडवर्टीजमेंट से आदमी के दिमाग में ये बैठ गया है कि जो चीज़ ब्रांडेड है या फिर नॉन ब्रांडेड भी है वो पैकेज में अगर है तो ही चीज़ वो अच्छा है। एडवर्टीजमेंट का एक इम्पैक्ट पड़ा ही है ये, जो कि बहुत ही गलत इम्पैक्ट है, ठीक है। और आगे भी पढ़ते हैं, पहले पढ़ लेते हैं फिर आपको मैं समझाता हूँ। एडवर्टीजमेंट ऑल्सो मेक अस बिलीव डेट थिंग्स आर पैकेज्ड एंड हैव अ ब्रांड नेम आर फार बेटर देन थिंग्स विच कम विद ओपन पैकेट। तो एडवर्टीजमेंट के कारण क्या हुआ, सबके दिमाग में बैठ गया है कि अगर कोई चीज़ पैकेट में है तो वो बहुत अच्छा है और कोई चीज़ खुला बिक्री हो रहा है तो वो चीज़ बहुत ख़राब है। अगर मैं बोलूँ तो दाल, आप अगर कहीं दुकान में भी आप गए होंगे अपने आसपास के ये राशन शॉप्स में, तो कहीं दाल पैकेट वाला मिलता है, मॉल अगर आप जाएंगे तो दाल पैकेट वाला मिलेगा, और जो अगल बगल आपके नाइबरहुड में जो राशन दुकान है वहाँ पे आप जाएंगे तो खुला दाल भी मिलता है। तो आपके दिमाग में क्या आएगा, जो पैकेट वाला दाल है वो बहुत अच्छा है और उसी जगह जो खुला हुआ दाल है वो क्या है, बहुत ख़राब है। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, दोनों चीज़ बराबर है, कोई वो भी वही दाल है, वो भी वही दाल है, सिर्फ उसको पैकेटिंग कर दिया गया और ये खुला बिक्री हो रहा है, ठीक है। और इसके कारण क्या होता है, जो छोटे सेलर होते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है चीज़, ठीक है। अगर वो खुला चीज़ बिक्री कर रहे हैं तो उनको बहुत परेशानी झेलना पड़ता है, और उसी जगह जो पैकेट में है वो बेफिक्र अपना बिक्री कर रहे हैं वो, ठीक है। वो भी कभी कभी क्या होता है ना, पैकेट वाला से भी अच्छा क्वालिटी आपको खुला वाला में मिलेगा, ठीक है। वो मिसकंसेप्शन है हमारा, ठीक है। तो देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, डेमोक्रेसी अलाउज पीपल टू लिव विद डिग्निटी एंड इक्वलिटी बट एडवर्टाइजिंग टेंड्स टू प्रमोट लैक ऑफ रिस्पेक्ट टूवर्ड्स पुअर। तो मैं आपको यहीं पे बताया, यहाँ पे इनइक्वलिटी का इशू बहुत है एडवर्टाइजिंग में। एडवर्टाइजिंग अगर कोई कर रहा है तो वहाँ पे इनइक्वलिटी बहुत है। अगर आप ऐसे तो पहले ही से आप जान रहे हैं, डेमोक्रेसी हमको क्या प्रोवाइड करता है, हम अपने इज्जत के साथ, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारे डिग्निटी के साथ हम एक सोसाइटी के पार्ट रहें, और दूसरा हम उसके पार्ट तो रहें ही रहें, साथ में हमको इक्वलिटी मिले सोसाइटी में, डेमोक्रेसी कहता है। लेकिन एडवर्टाइजिंग में क्या होता है, जो पुअर हैं उनका सेल्फ रिस्पेक्ट, उनका डिग्निटी को ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। क्या? एडवर्टाइजिंग, क्योंकि अगर वो चाहें भी ना वो खरीद नहीं सकते तो उनके कारण उनको और गिरा हुआ, मतलब और कमी फील होता है, ठीक है। इसका बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट भी है और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बहुत सारा है, ठीक है। तो अगर जैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट का एक मैं बात बताऊँ, नेगेटिव इम्पैक्ट तो बता दिया लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट का बात बताऊँ, तो जैसे सपोज आपको मेडिसिन का सडन ज़रूरत पड़ा, आप टीवी में बहुत सारे ऑनलाइन मेडिसिन बिक्री करने वाले वेबसाइट्स को देख रहे हैं, तो अभी आपके पास कोई साधन नहीं है, आपके पास कोई रिसोर्स नहीं या फिर गाड़ी नहीं है कि आप कहीं जा करके शॉप से ले के आएँ,
मेडिसिन शॉप से आप मेड्स अपना लेकर गए हैं, तो उस केस में क्या होगा, अगर लोकली अगर वो देता है तो आप अपने फ़ोन के थ्रू आप वो एडवर्टाइजिंग अगर आप देखे होंगे तो उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं आप, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। लेकिन बहुतों के साथ होता है जैसे कि पुअर जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं वो हुए, तो उनको बहुत सारा इसमें परेशानी झेलना पड़ता है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो अब आखिरी एक चैप्टर बचा है आपका क्लास 7 का चैप्टर 10, ठीक है, जो कि बहुत जल्द आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।